हेलो गाइस गाइस, मैं जब भी अपना कमेंट बॉक्स खोलता हूँ और वहाँ कमेंट पढ़ता हूँ तो फ्रेंड्स वहाँ पर 90% का कमेंट यही रहता है कि भाई मैं 2 साल से 3 साल से खेल रहा हूँ ड्रीम इलेवन, लेकिन मेरा अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हो रहा है। कोई यहाँ तक कहते मेरा 1-1 लाख लॉस हो गया, बोलते 10,000, 20,000, 30,000 इस तरह से लॉस हो गया। काफ़ी लोग बोलते रहते हैं लॉस हो गया, और गाइस मैं उनको बोलता हूँ भाई लॉस अगर आपका हो गया है तो मैं आपका लॉस कवर करवा दूंगा, आप मेरा प्राइम मेंबरशिप ले लो। ठीक है गाइस, मेरे प्राइम मेंबरशिप से फ्रेंड्स इतने लोगों ने लॉस कवर किया है, जितने भी मतलब कि मेंबर ने लिया है सारा आदमी का लॉस कवर हो गया है और सारा आदमी डेली विन कर रहा है। ठीक है, अगर आप भी मेरा प्राइम लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मतलब कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। मेरा नंबर है, मैं आपसे बात करूंगा और आपको मैं प्राइम दूंगा। ठीक है, और गाइस फ्रेंड्स यहाँ पर बात आती है, अगर आप लोग मान लीजिए काफ़ी लोग ऐसा है जो कि प्राइम नहीं लेना चाहते, ठीक है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए वेलकम है। तो अगर आप लोग प्राइम नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि मैं खुद से ही अच्छी खासी टीम बना करके विन करूं, तो फ्रेंड्स आप इससे भी विन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप एक काफ़ी अच्छी खासी टीम बना करके विन कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिस ट्रिक से मैं टीम बनाता हूँ और उस टीम को मैं सेंड करता हूँ टेलीग्राम में या फिर अपने प्राइम ग्रुप में, उस ट्रिक मैं आज आपके सामने बताऊंगा कि किस तरह से उस ट्रिक को अपना करके आप भी अच्छी खासी टीम बना सकते हो और अच्छी खासी विनिंग टीम बना सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को देखिएगा एंड तक, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और गाइस अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जाएगा, ज्वाइन करो, लिंक और डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आपको वहाँ पर डेली टीम मिलेगा। ठीक है, तो जाकर ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैं आपको जो बोल रहा था कौन सा वो ट्रिक है जिसको अपना कर मैं प्राइम टीम बनाता हूँ और प्राइम लोगों को टीम देता हूँ और विनिंग टीम बनाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले किसी भी मैच में दोस्तों आपको टीम बनाने से पहले आपको 3 चीज़ का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, की आपके इन्वेस्टमेंट प्लान कितना होना चाहिए एक मैच में। ठीक है, सेकेंड दोस्तों होता है आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, थर्ड दोस्तों जो होता है फ्रेंड्स आपका वो होता है मैच सिलेक्शन, आपको अच्छा मैच सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये 3 चीज फ्रेंड्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने 3 चीज जान लिया तो फ्रेंड्स आप काफी अच्छी खासी टीम बना सकते हैं, विनिंग टीम बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 90% लोग क्या गलती करते हैं, एनालाइज भी कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान भी समझ लेते हैं, लेकिन कौन सा मैच को खेलना है, कौन सा मैच को स्किप करना है फ्रेंड्स ये नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा ध्यान से, मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। तो फ्रेंड्स हमको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक मैच है T10 का, तो हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, जीएल खेलना चाहिए, स्मॉल खेलना चाहिए, हेड टू खेलना चाहिए, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 10 मेंबर, कौन सा वाला खेलना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वहां पर क्या करना है कि जितना हो सके आपको, ठीक है, हेड टू हेड यानी कि 2 मेंबर वाला ही खेलना है, उससे ऊपर नहीं खेलना है, उससे ऊपर आप जाइएगा तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। लास्ट दम हार्डली 3 मेंबर खेल सकते हैं, उससे ऊपर आपको नहीं खेलना है। ठीक, खासकर T10 में बात करूँ, ठीक है, T10 T20 इसमें आपको हार्डली 3 मेंबर या फिर 2 मेंबर खेलेगा तो ज़्यादा बेटर है, आपको पूरा क्लीन स्वीप मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक मतलब कि कैसे कैसे वो खेलना है। और यहाँ पर भी आता है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग एक ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो तो उसमें एक मिनी जीएल आता है जो कि 39 रुपीज का, उसमें 339 स्पॉट होता है, आप वो वाला भी खेल सकते हो, उससे आगे मत खेलना। ठीक है, या फिर T10 और T20 के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो उसके लिए बात अलग होगी, स्मॉल लीग के लिए ये बेटर है, सेफ है, और आपको जितना हो सके फ्रेंड्स कम कॉन्टेस्ट ही खेलना है। ऐसा नहीं कि वो 20-30-40 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए, भाई वैसे नहीं होगा, 40 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिएगा, 40 में से 20 जीतेगा, 20 हार जाएगा, तो कोई फायदा वो नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। आपको हार्डली 5-6-7 हार्डली 10 उससे आगे कॉन्टेस्ट आपको नहीं खेलना है। ठीक है, 5-7 कॉन्टेस्ट बहुत है, इतना ही खेलना है, और दिन में आपको 4-5 मैच खेलना है, इसे खेलिएगा तो आपको विनिंग भी काफ़ी अच्छा होगा और आप मतलब हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, आपका ये हो गया, ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, और फ्रेंड इन्वेस्टमेंट में एक और दोस्तों क्या है, आपको दोस्तों एक मैच में 500 से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हार्डली 500 करना है और इन्वेस्टमेंट से ऊपर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर बजट ज़्यादा है तो कर सकते हैं, बट हार्डली 500 से ऊपर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर दोस्तों जो है फ्रेंड्स वो हमारा एनालाइज करना है। देखिए आप फ्रेंड्स आप लोग बोले एनालाइज करना सबको पता है गाइस, देखिए एनालाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप लोग क्या तो कहीं लोग गूगल पर सर्च करेंगे टीम ऐसा और एनालाइज कर लेंगे 5 मिनट में 6 मिनट में, देख लेंगे बॉलर है कौन कौन, विकेट कीपर है, पिच कैसा है, इधर क्या देख लेंगे बस हो गया, बट ऐसे एनालाइज नहीं होता गाइस। एनालाइज करने के लिए फ्रेंड्स आपको कम से कम मिनिमम 1-1.5 घंटा देना पड़ता है एक मैच के लिए, तभी जाके आपका टीम सही बनता है, नहीं तो आपका टीम सही नहीं बनेगा गाइस। मैं एक मैच के लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा तक मैं एनालाइज करता हूँ, तभी जाके मेरा टीम सही देता है और विन करता है। ठीक है, आपको उसके एक एक पार्ट को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, एक एक प्लेयर के बारे में, एक एक
बॉलर के बारे में, सब चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज करना है, ठीक है, उस पिच के बारे में, उस स्टेडियम के बारे में, उस टीम के बारे में, उस टीम के अगेंस्ट के बारे में, मतलब कि पूरा का पूरा अच्छे से एनालाइज, एक भी चीज़ आपको छूटना नहीं चाहिए, तभी जाके फ्रेंड्स आपका प्रॉपर एनालाइज होगा, तभी आपका प्रॉपर टीम बन पाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से एनालाइज आपको करना है, तभी जाके आपको टीम सही बनेगा, ठीक है। फ्रेंड्स हो गया नंबर दो। नंबर थ्री में दोस्तों आता है फ्रेंड्स, वो है हमको गुड मैच सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, यानी कि कौन से मैच को हम खेलना है, कौन से मैच को हम स्किप करना है। फ्रेंड्स ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब तक आप लोग ये नहीं जानो तब तक आप टीम सही नहीं बन पाएगा या फिर आप लोग विन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिन में 20 मैच होता है लगभग, फुटबॉल ऐसे का मिला करके खेलते हो, तो फ्रेंड्स आप क्या करना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट होता है, एक फुटबॉल होता है और एक बास्केटबॉल, फ्रेंड्स मेनली 3 मैच होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हो, अगर विन नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग क्रिकेट को थोड़ा सा कम कर दीजिए, बास्केटबॉल और फुटबॉल पर ध्यान दीजिए। गाइस इसलिए क्योंकि बास्केटबॉल और फुटबॉल में फ्रेंड्स यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी कम होता है, खासकर आपने इंडिया की बात करो तो काफ़ी कम होता है, ठीक है। और वहीं क्रिकेट की बात करो तो काफ़ी कंपटीशन ज़्यादा होता है, काफ़ी अगर टफ कंपटीशन वहाँ पर मिलता है। तो आपको अगर लॉस हो रहा है, लॉस जल्दी कवर करना है, फास्ट कवर करना है, तो आपको बास्केटबॉल और फुटबॉल पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इस मतलब जो भी मैच होता है बास्केटबॉल या फुटबॉल का, उसको अच्छे से एनालाइज करके आपको उस बार मैच को सेलेक्ट करना है। या फिर क्रिकेट में चाहते हो, क्रिकेट में भी देखिएगा, मतलब कि ज़्यादा जो कम मतलब कि मेमर होता है, सॉरी कम ओवर होता है, जैसे T10, T5 ये सब खेलेगा तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा आपको विनिंग का चांस बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैच को सेलेक्ट करना है, अच्छे मैच को, और फ्रेंड्स जितना हो सकेगा बड़े मैच को स्किप करना, बिग मैच में कोई इंडिया का मैच हो गया, कोई ऑस्ट्रेलिया का मैच हो गया, इंटरनेशनल मैच को स्किप करना है। और दोस्तों वुमेन्स जो है ना, लड़की का मैच, वुमेन्स मैच पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और लोकल लीग्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, लोकल लीग्स हो गया और वुमेन्स मैच हो गया, फ्रेंड्स इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तभी फ्रेंड्स आपको अच्छा सेलेक्ट हो पाएगा टीम और आप अच्छा खासा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स ये था 3 दोस्तों जो ट्रिक आपको अपनाना पड़ेगा मैच मतलब कि लगाने से पहले, टीम लगाने से पहले। फ्रेंड्स अगर आपने इन तीन चीज़ को अच्छे से प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके लगा लिया, प्रॉपर तरीके से कर लिया, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तीन चीज़ को फॉलो कीजिए, अगर आपने फॉलो कर लिया फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो फ्रेंड्स आप मुझसे कहना भाई आपने बोला मुझे रिजल्ट नहीं मिला, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो के यहाँ पर एंड करते हैं, मुझे उम्मीद है वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नहीं होता ना सब्सक्राइब कर देना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।